बिल्कुल नहीं है अभी। अभी ईद पर कितना रश हुआ करता था? रश तो बहुत होता था लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, हर जगह ताड़े बिछी हुई है, पब्लिक लॉकडाउन है, घर में पड़े हुए हैं। निकलने अगर देखा जाएगा एसओपीज गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, कैसे आप अभी जो है बेकरीज जो है फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हर चीज का फॉलो कर रहे हैं। बाहर सैनिटाइजर रखा हुआ है, पैरामीटर है उसको चेक करके हम लोग अंदर भेज रहे हैं, और सोशल डिस्टेंस का तो विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अगर सब बात करेंगे यहाँ पर पिछले साल भी ये लॉकडाउन था, तब भी बंद ही रहा, तब से लेकर आज तक जो है बिल्कुल बंद ही रहा, आज भी बंद ही हुआ, तो कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो इतना बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि हम लोग का जितना कॉस्ट बढ़ता है वो भी नहीं निकल रहा, बहुत ज्यादा नुकसान है। पाव का है तो कस्टमर्स को क्या अपील करेंगे आप, कैसे आएंगे वो, क्या कस्टमर अपने खूब सेफ्टी के साथ आए, मास्क लगा के आए, सोशल डिस्टेंस के साथ आए। जी सर, मैं इधर ही काम करता हूँ, 100 डिग्री से ऊपर जिनको टेम्परेचर रहेगा उनको अंदर नहीं लेनी है, मास्क लगा के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये देखनी है, मास्क है अपने पास, सैनिटाइजर करते हैं और डेटोल का स्प्रे भी हो रहा है, वो फीवर वाला जिनको फीवर है वो अंदर नहीं आ सकता, सैनिटाइज करके ही अंदर आ सकते हैं। हमें बताइए कितना रश भी कम हुआ है? रश तो नहीं है, रश तो नहीं है सर, एक बंदे आ रहे, ज़्यादा तो रश नहीं है। पिछली ईद में तो बंद ही था ना टोटल सर, टोटल लॉकडाउन था तो उस समय तो कुछ नहीं था, अभी थोड़ा दिए हैं ढेल तो अपने को देखना पड़ता है, अपने जो कस्टमर हैं उनको तो उनका त्यौहार है तो उनको तो देनी पड़ती है मिठाइयाँ। अपना नाम बताइए। इरशाद अहमद। इरशाद साहब ये बताइए, आपने अभी रोटियाँ यहाँ से खरीदी तो कोविड के चलते आपको लगता है कि मतलब ये खरीदना जरूरी था? अभी ये थोड़ा बहुत रखना है, कम हमने आधा ही लिया। अच्छा, हमने खाली तो 250 में लिया, बच्चे वाले हैं क्या करेंगे। तो कितने में खरीदते थे इससे पहले? 2,000-3,000, 2,000-4,000 मेहमान आते थे, आजकल मेहमान कहाँ आएंगे, ये खाली बच्चों के लिए और अपने लिए बस। तो ये बताइए कि कोविड का असर कितना देखा? बहुत 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 असर है, कोई डर अभी और क्या, डर ही है और क्या है। तो ईद कैसे मनाएंगे आप? अभी घर पर ही नमाज पढ़ेंगे और क्या, आज भी ग्राहक को भी शॉप किया, घर पर ही किया।